एवरीबडी, दिस इज़ क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नेम इज एसिड बेसिस एंड साल्ट्स. टुडे रीड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. सो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स मीन्स अमल, जिसे हम तेजाब भी बोलते हैं. बेसिस अक्षार होते हैं, खाने में कड़वे होते हैं, और साल्ट्स इनके दोनों के मिलने से जो बनता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस. आंसर, एसिड और बेस के बीच में हमें अंतर बताना है. फर्स्ट एसिड्स के बारे में, इट्स टेस्ट इज श्योर, ये खाने में खट्टे होते हैं. व्हेन एडिड टू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, जब भी हम लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसमें डालते हैं एसिड में, तो ये रेड हो जाता है. एग्जांपल के तौर पे कर्ड, लेमन जूस एंड विनेगर, दीज आर एसिड्स. नेक्स्ट बेसिस, इट्स टेस्ट इज बीटर, खाने में कड़वे होते हैं. व्हेन एडिड टू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस पेपर को जब भी हम बेसिस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर में टर्न हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा, सोप सॉल्यूशन एंड लाइम वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम डिफरेंस बिटवीन एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की एक वीडियो देखेंगे, जिसे बहुत गौर से, ध्यान से सुनना है सभी बच्चे ने. ओके, हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस एंड साल्ट. ये साइंस में बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ कराई जाती है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है. तो लेट्स सी, एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन के आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है. जब बेस को पानी में मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन्स के जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है. देखिए अब साल्ट कैसे बनता है. एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं, वो दोनों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वो साल्ट फॉर्म करते हैं. साल्ट की एग्जांपल है जो कॉमन साल्ट हम घर पे यूज़ करते हैं, NaCl. अब जब इसको पानी में मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये Na+ आयन और Cl- एक्टिव आयन ये बना देगा. एसिड क्या होते हैं, एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, साल्ट न्यूट्रल होता है. एसिड का जो पीएच लेवल होता है वो लेस देन 7 होता है, बेस का जो पीएच लेवल होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, और साल्ट का जो पीएच लेवल है वो डिपेंड करता है कि साल्ट कैसे बना है. अब देखिए, साल्ट में एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर एसिड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बेस आपका बहुत ज़्यादा लो होगा, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो जब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो पीएच लेवल जो है वो लेस देन 7 आएगा. अगर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एसिड कमजोर है और दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 आएगा. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, या दोनों ही वीक हैं, तो पीएच लेवल 7 पे रह जाएगा. तो साल्ट जो है बीच की आइटम है. एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बेस कनेक्ट कर सकते इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन दे आर इन एक्वस स्टेट, जब वो लिक्विड स्टेट में होंगे तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर पाएंगे. साल्ट क्या होता है कि इसमें कोई भी मोबाइल आयन नहीं होते हैं. जैसे देख लिए, अगर NaCl है तो उसमें कोई भी मोबाइल आयन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को वो कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए आयन की ज़रूरत होती है. अगर एसिड को हम टेस्ट करें तो ये सोर इन टेस्ट होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं, बेस बिटर होते हैं, या थोड़ा सा आपकी बिटरनेस आएगी आपके माउथ में. साल्ट ये डिपेंड करता है कि एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से इसका टेस्ट बनेगा. जब एसिड को आप स्मेल करोगे तो आपको ऐसे लगे जैसे बर्निंग हो रही है आपके नाक में. बेस जो होते हैं वो ओडरलेस होते हैं, सिर्फ अमोनिया को छोड़ के. साल्ट फिर डिपेंड करेगा कि बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी. एसिड स्टिकी होते हैं, बेस स्लिपरी होते हैं. साल्ट फिर डिपेंड करेगा कि दोनों में से कैसा मिक्सचर है. एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बेस रिएक्ट करते हैं फैट्स एंड ऑयल के साथ में. साल्ट फिर डिपेंड करेगा कि क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है. एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं, और साल्ट फिर वैसे ही करेगा कि साल्ट में एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिड की प्रॉपर्टी देगा, अगर बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बेस की प्रॉपर्टी देगा. एसिड की एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. बेस की एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साल्ट जैसे कॉमन साल्ट हो गए NaCl.
एसिड को कहाँ यूज करा जाता है, इसको एज प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइज यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है जैसे कोको कोला होती है, पेप्सी होती है, वो एसिड से बनती है। लेदर प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं, हाउस होल्ड क्लीनिंग में हम यूज कर सकते हैं। बेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सॉप्स बना सकते हैं, डिटर्जेंट बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी चीजें हम बना सकते हैं। और साल्ट का हमें पता ही है फूड प्रेपरेशन में यूज होता है। सो होप नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस एंड साल्ट। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर? बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सो द नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन? सी, द लिचन इज ए प्लांट विच एक्सट्रैक्ट इन टू द लिटमस पेपर। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स, इट हैज ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, व्हेन एडिड टू एसिड सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, सो इट इज़ यूज टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, इन दोनों का ही यूज हम एज ए इंडिकेटर करते हैं, और इसके इन दोनों के द्वारा ही हमें क्या पता लगता है कि गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट? डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल बाय नेचर, वी कैन वेरीफाई इट बाय द लिटमस टेस्ट। वाटर डज नॉट चेंज विद एनी लिटमस पेपर, एनी कलर ऑफ लिटमस पेपर, द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू। क्वेश्चन नंबर फाइव। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। वेन एन एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है क्या एक्चुअल में। जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है। जो भी न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसे हम साल्ट बोलते हैं। और जैसे सिंपल सा है, द फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, नाउ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम रेड। नाउ add to this acidic solution drop of sodium hydroxide solution gradually one by one with that dropper, stir the tube gently, continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the color just become green. Now the effect of hydrochloric acid is neutralized by the base sodium hydroxide. Hum is video se अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस एग्जांपल्स को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। लेट अस लर्न न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। Take a conical flask and fill it with 20 milliliters sodium hydroxide. Now add 2 or 3 drops phenolphthalein solution in it. What do you observe? You find that the sodium solution turns pink. What will you conclude from this? This means sodium hydroxide is basic in nature. Now take dilute hydrochloric acid in a burette. Add acid drop by drop into conical flask with constant shaking. Stop adding of hydrochloride acid when pink color solution completely disappears. We conclude that when solution turns colorless, sodium hydroxide is completely neutralized by hydrochloric acid. Now next question number 7. Drozzi has a few bottles of soft drink in his restaurant,
बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स. वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट्स बेसिक, एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक. हाउ विल ड्रोजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू हूम. कैसे किसको कौन सी ड्रिंक देनी है. तो हम क्या करेंगे, हम ड्रोजी को बताएंगे कि ड्रोजी क्या करेगा, उसमें लिटमस पेपर लेगा, सभी बोटल्स में बारी बारी से डालेगा, दोनों तरह के लिटमस पेपर, जिसमें लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है वो एसिडिक है, तो जो एसिडिक मांगता है उसको दियाएगा वो ड्रिंक. उसके बाद ब्लू रेड लिटमस पेपर डाल के देखेगा, अगर वो ब्लू हो जाता है, जिस भी बोतल में ब्लू होता है वो बेसिक है तो वो दियाएंगे. और नेक्स्ट, इफ़ इट इज टर्न्स ग्रीन ड्रिंक इज न्यूट्रल, देन ड्रोजी हैज़ गो टू गिव दिस न्यूट्रल ड्रिंक टू द पर्सन. क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम थोड़ा सा सीखेंगे कि किस प्रकार से हम घर पे भी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से घर पे भी इंडिकेटर्स बना सकते हैं. आपके पास लिटमस पेपर नहीं है, आप लम्लो और क्षार की जांच करना चाहते हैं, तो आप नेचुरल इंडिकेटर से भी जांच कर सकते हैं घरेलू सामग्री से. अब घरेलू घर में उपलब्ध सामग्री आसानी से कौन सी है, हल्दी मिल जाएगी. हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है. तो ये हमने क्या किया है, एक कागज के ऊपर क्या किया आपने, देखिए बताइए जरा. कागज के ऊपर हल्दी के पेस्ट को लगा लिया है. कागज के ऊपर आपने हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर एक इसका पेस्ट बनाकर इसको इस पे लगा लिया है. तो ये आपका कागज रेडी हो गया है. ठीक है, क्या किया आपने, एक कागज के ऊपर हल्दी का पेस्ट लगा दिया. हल्दी का पेस्ट लगा दिया, पहले हल्दी को पानी में मिलाया और फिर उसे लगाकर उसे सुखा लिया है. तो आपका एक कागज की स्ट्रिप्स तैयार हो गई है ना. अब आप एक काम करेंगे कि एक स्ट्रिप पर HCl का अम्ल डाल दीजिए जरा. देखिए HCl हमने लिया है, देखिए रुकिए एक मिनट, बता दीजिए कि ये जो HCl अम्ल है ये हमने पानी में थोड़ी सी अम्ल की बूंदें मिलाई है. हमको ये बात ध्यान रखना है कि हमें अम्ल में पानी नहीं मिलाना है सीधे, बल्कि बहुत सारे पानी में थोड़ा सा अम्ल की बूंदें मिलाना है. तो ये HCl अम्ल या हमें सीधे तनु अम्ल का उपयोग इसमें करना चाहिए. तो ये HCl अम्ल ले लीजिए और आप इस पर इस हल्दी की जो स्ट्रिप हमने तैयार की है कागज की, उस पर डालिए. हम इसमें बदलाव को देखना चाहते हैं. अरे इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, मतलब हल्दी के रंग में कोई बदलाव अम्ल नहीं कर रहा है. तो फिर चलिए एक और अम्ल हमारे पास में है, नींबू पानी है ना, क्योंकि नींबू में भी अम्ल होता है. तो हम इसकी भी जांच कर लेंगे और दोनों काम हो जाएंगे. तो नींबू पानी भी आप इसमें, आपने नींबू पानी तैयार कर लिया है ना, नींबू को पानी में निचोड़ कर आपने तैयार किया है. तो ये नींबू पानी भी आप इस पर डालिए एक और स्ट्रिप पर. ये भी हल्दी की स्ट्रिप पर आपने नींबू पानी डाला, देखिए यहाँ भी कोई बदलाव इसमें नहीं आ रहा है. मतलब ये जो है अम्ल जो है वो हल्दी के इस कागज पर कोई बदलाव नहीं ला पा रहा है. अब हम इसको क्षार से करेंगे. तो हमारे पास क्षार में देखिए हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है क्षार के रूप में, और इसको क्या किया हमने, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बता दीजिए डिब्बी में जरा. ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, खोल के बता दीजिए इसको. इस तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था और हमने इसको पानी में मिला लिया है. तो पानी में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार कर लिया. अब आप एक काम कीजिए, इसको भी इस पर डालिए हल्दी की स्ट्रिप पर, क्षार को. देखिए लाल रंग आ गया है. तो क्षार जो है प्राकृतिक सूचक, ये जो हल्दी है ये क्षार के साथ में क्या कर रहा है, लाल रंग दे रहा है. और हमारे पास में क्षार के रूप में अगर मान लीजिए NaOH नहीं है घर में मौजूद, तो हम शैम्पू पानी से भी इसको इस प्रयोग को कर सकते हैं. तो आप शैम्पू पानी से भी जरा इसको करके देखिए, हल्दी स्ट्रिप पर शैम्पू पानी डालिए. देखिए ये भी लाल रंग आ गया है. तो इस तरह से हमने एक बात समझी है कि अच्छा एक बात और आपने देखी है कि आप समझे कि हमारे कपड़ों पर जो हल्दी के दाग खाने के दौरान लगते हैं और वो साबुन लगते ही लाल क्यों हो जाते हैं. तो हम समझ गए कि साबुन का जो विलयन होता है वो क्षार की ही होता है, और इसलिए वो हल्दी के जो वो दाग लगते हैं उन्हें लाल कर देता है. तो इस तरह से हमने एक निष्कर्ष यहाँ ये निकाला
कि जो प्राकृतिक सूचक हल्दी है वो अम्ल में कोई बदलाव नहीं देता है, इंडिकेट करता है, लेकिन क्षार के साथ वो लाल रंग दे देता है। तो इस तरह से हम आसानी से हल्दी के द्वारा भी अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटा एसिड टैबलेट्स इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। बी, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। सी, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इन इट इनटू द वाटर बॉडीज। फर्स्ट, एंटा एसिड टैबलेट्स मेनली बेसिक इन नेचर होती हैं, तभी जब हमारे शरीर में, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कई बार खाना खाते हैं तो हम लोग तड़ा तुड़ा खा लेते हैं, तो उससे क्या है, फैटी जो ज़्यादा फूड होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज होता है हमारे स्टमक से, तो उससे क्या होता है, हम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी हो जाते हैं। तो उसको, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लिक्विड यूज़ करते हैं, जिससे क्या है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। अब एंट बाइट करती है तो हमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, वो क्यों आती है, एक्चुअल में एंट बाइट के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है जो क्या होता है, जिसके कारण हमें ईचिंग होती है और वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो काजिज इरीटेशन ऑन द स्किन, कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज बेस, ये एक बेस होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट द एंट बाइट व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन। जब भी एंट बाइट करती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोई भी बेसिक जैसे जिंक कार्बोनेट का हम यूज़ करें तो वो स्वेलिंग नहीं होगी और हमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, एसिड्स होता है उनमें बहुत ज़्यादा, जो फैक्ट्रीज वेस्ट वाटर बाहर निकालती हैं, इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज दे द एसिड्स विल किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के जीव हैं उनको मार देता है ये एसिड्स। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, इसलिए उसको फैक्ट्री वेस्ट को क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज सुगर सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, और टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में आप लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं किस प्रकार से टर्मरिक इंडिकेटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और शुगर को अलग अलग कर सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टर्मरिक इंडिकेटर के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि हल्दी वाले इंडिकेटर में कोई चेंज नहीं आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रेड कलर देता है और शुगर के साथ क्या करेगा, ये सेम रिमेन सेम बना रहेगा। सो इफ़ द टेस्ट ट्यूब ऑफ द अबव सॉल्यूशन डज नॉट वार्म एंड इट डज नॉट शो पिंक कलर व्हेन टर्मरिक इज एडेड, द सेकंड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। मींस कि अगर टर्मरिक इंडिकेटर हल्दी मिलाने पर भी कोई सॉल्यूशन ना तो गर्म होता है, ठीक है, और ना ही कोई और दूसरा पिंक कलर देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, सॉरी थोड़ा सा पिंक कलर देता है वो, तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। एसिड के साथ कोई कलर नहीं देगा जब भी हम इसको मिलाएंगे, लेकिन हल्का सा गर्म हो जाएगा ये। दूसरा, जब भी हम हल्दी को बेस के साथ मिलाते हैं तो रेड कलर देता है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये इस टेस्ट ट्यूब में रेड कलर है, और अगर ये ना तो गर्म हो और हल्का सा पिंक कलर दे तो ये बेसिक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। जब भी ब्लू लिटमस पेपर डिप्ड होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, अगर वो ब्लू ही रहता है तो इसका मतलब होता है या तो वो बेस है, सॉरी हाँ, या तो वो बेस है। इफ द ब्लू लिटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन ए सॉल्यूशन रिमेन ब्लू, इट इम्प्लाइज द
सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल, या तो वो बेस है या वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स यू नो वेरी वेल, उदासीन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके बाय।